सो हेलो नमस्ते दोस्तों, आज जब हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक सेल्फी स्टिक की, है ना। इसमें आपको कौन कौन से फीचर मिल जाता है, इस प्राइस रेंज के ये सेल्फी स्टिक, वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको इन डिटेल इसके बारे में समझाने वाला हूँ क्या क्या इसके बारे में आपको फीचर मिलने वाले हैं, इसको कैसे यूज करना है। अब हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करने। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सेल्फी स्टिक को देख सकते हैं, यहाँ से कुछ ऐसे है, यहाँ से कुछ ऐसे है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ तो आपको क्लियरिटी दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा है, सेल्फी स्टिक R1S और ये मेड इन चाइना है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको इसमें चार कलर मिल जाते हैं, एक ब्लैक, एक पिंक, एक डार्क ग्रीन, एक वाइट कलर। ये आपको यहाँ पे चार कलर मिल जाते हैं आपको। ये स्टैंड भी बन सकता है, एक मतलब कि सेल्फी स्टिक भी बन सकती है, गम्बल भी बन सकता है। यहाँ पर आपको ये तीन फायदे मिल जाते हैं देखने के लिए। और ये हमारी सेल्फी स्टिक तो यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर फोटो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। और कुछ फोटो इस तरीके से आते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इसके हम अनबॉक्सिंग करते हैं, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। तो जैसे दोस्तों इसके अंदर हम उसको जी मिला इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको बॉक्स को हम रख लेते हैं अभी साइड में, यहाँ पे रख लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फी स्टिक यूज़र मेन्यू, यहाँ पे आपको मेन्यू कार्ड मिल जाएगा, मतलब इसकी जन्मपत्री आपको मिल जाएगी कैसे इसको यूज़र करना है। इसको हम कर लेते हैं अभी ओपन, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन दी गई एकदम बारीकी से। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ अभी साइड में। फिर आपको यहाँ पे एक डाटा केबल मिल जाएगी छोटी सी, आप इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। फिर डाटा केबल आपको कहाँ पे लगाना है, इसको चार्ज कैसे करना, वो सब चीज़ हम इसमें बात करने वाले हैं। तो छोटी सी आपको डाटा केबल मिल जाएगी, इसकी क्वालिटी भी कई हद तक ठीक ठाक है। तो इसको अभी हम रख लेते हैं साइड में। अब साइड में रखने वाले इसको हम, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको ब्लैक कलर में ये मिलता है सेल्फी स्टिक, है ना। पहले तो मैं इसको आपको स्टैंड बना के दिखाता हूँ कैसे स्टैंड ये लगता है। इसको ढीला करने के बाद इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, है ना। गिम्बल जो कहते हैं, गम्बल जो भी कहते हैं ना, मुझे तो पता नहीं क्या कहते हैं उसको। ये हमारा वो बन चुका है। यहाँ पर हम अपना फ़ोन लगा सकते हैं और इसको एकदम प्रोफेशनल तरीके से शूट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हमारा लाइट है, इसको मैं ऑन करता हूँ। दो क्वालिटी मिल जाती है आपको, एक थोड़ी सी इससे ज़्यादा मिल जाती है आपको, है ना। आपको इस चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने के यहाँ पे मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको आप अपने चार्जर में लगा सकते हैं, इसलिए आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें अपना मोबाइल यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल यहाँ पे ले आया हूँ, इसको यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे मेरा मोबाइल एकदम अच्छी तरीके से लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। इसको आप ब्लॉगिंग में भी यूज़ कर सकते हैं आराम इजी तरीके से, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको आप स्टैंड आपको कैसे बनाना है ना। तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ से खोल लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा करके ये खुल जाता है, ये यहाँ से करके खुल चुका है। और इसको आप ऐसे करके रख सकते हैं, ऐसा आप इसको रख सकते हैं, तो ये हमारा स्टैंड बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, तो ये ऐसे हमारा ये स्टैंड बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे से कुछ ऐसा है, पीछे से कुछ ऐसा है ना। अब इसको सेल्फी स्टिक कैसे बनाना वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, है ना। इस वाले को इसको आपको ढीला कर लेना है, इसको आपको यहाँ से ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद इसको हम थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। अब टेढ़ा करने के बाद इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं हम। टाइट करने के बाद, है ना, अब इसको हम थोड़ा खींचेंगे ऐसे करके, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसको हमने यहाँ से कर दिया पैक। अब जी हमारी सेल्फी स्टिक यहाँ पर बन चुकी है और काफ़ी लंबी भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इससे फोटो वगैरह कैसे खींचने, ब्लॉगिंग कैसे करनी, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और आपको यहाँ पे रिमोट कहाँ पे मिलता है, वो जो मैं आपको बता रहा था ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे करना है और आपको रिमोट कौन सा मिलता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आपको यहाँ पे रिमोट मिल जाए देखने के लिए। इससे आप अपना फोटो क्लिक भी कर सकते हो, इससे आप अपनी वीडियो ऑन ऑफ भी कर सकते हो ना। इसको आप यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो हमारे बाहर भी निकल चुका है ना, ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है इसमें आपको। इसमें खाली आपको एक सेल डालना पड़ता है, वो आप ऐसे करोगे ऐसे करके नगर करोगे तो निकल आता ही बाहर इसमें, फिर आप सेल भी डाल सकते हो। इसको आपको प्रेस करके रखना है ऐसे करके, है ना। प्रेस करके आप रखोगे ना तो ये हो जाएगा ऑन। यहाँ पे देखते हैं आपको इसमें लाइट जल्दी ब्लू कलर की है ना,
इसको अभी हम अपने यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इसको लगाने के बाद हम अपने फोन से कर लेते हैं इसको कनेक्ट, है ना। या मैं अपना ब्लूटूथ कर लेता ऑन। अब इसकी सेटिंग के अंदर चले जाता हूँ, ब्लूटूथ सेटिंग के अंदर चला जाता हूँ मैं। अब इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपको यहाँ पे सेल्फी के नाम से दिख जाएगा, इस पर आपको करना है क्लिक। सो ये हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारे सेल्फी स्टिक से हो चुका है कनेक्ट, है ना। अब इससे आपको फोटो कैसे क्लिक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना कैमरा ओपन करके रखा है ना, और मैं कुछ बटन भी यहाँ पर नहीं दबा रहा हूँ, बस इस वाले बटन को यहाँ पर दबाऊँगा मेरी फोटो क्लिक हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी फोटो क्लिक हो चुकी है। आप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर जी मेरी फोटो इसके क्लिक हो चुकी है, इसको डिलीट भी कर देता हूँ मैं यहाँ पर। मतलब ब्लॉगिंग वैसे कैसे करनी पूछी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो जय दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कैसे आपको इसको क्लिक करके इसे फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका रिमोट दिया गया है, इससे हम क्लिक करके अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल यहाँ पे लगा हुआ है, रिमोट को मैं अभी निकाल लेता हूँ। यहाँ से निकाल भी सकते हैं इसको, यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारा रिमोट है, इसको हम यहाँ पे दूर रख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपना फोटो क्लिक करने के लिए। यहाँ पे मैंने स्टिक को लगा लिया अपने फोटो पर, इसको रिमोट को मैं दबाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा फोटो क्लिक हो चुका, अब मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूँ, वहाँ सब देख सकते हैं कैसा फोटो आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस। आपको अनबॉक्सिंग की दूसरी वीडियो देख रही है, उस पर आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।